हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज जो है बहुत दुख हुआ ये जानकर और ये सुनकर कि जो सबसे बड़े एक्सचेंजेस हैं वो या तो अपने ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं या वो उस कगार पे पहुंच गए हैं कि वो मजबूर हैं अपने ऑपरेशंस बंद करने के लिए। और उसके रीज़न, उसका सिर्फ एकमात्र रीज़न है क्योंकि इंडिया में रेगुलेशंस को लेके अभी तक कोई सर्टेनिटी नहीं है, यानी कि आएंगे कब आएंगे। बेचारे एक्सचेंजेस भी वेट कर करके थक गए हैं। और पॉइंट क्या है, आपको समझना चाहिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए लगते हैं पैसे, और पैसे तो एक्सचेंजेस के पास तभी आएंगे जब हम सब लोग ट्रेड करेंगे या वो हमें INR में पेमेंट कर पाएंगे। और INR में पेमेंट तभी कर पाएंगे जब वो RBI का ब्लैंकेट बैन हटेगा या इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस आएंगे। तो इसी चीज को सोच के यूनो क्वाइन जो है कोशिश कर रहा था कुछ इनोवेटिव करने की, कि पहले उन्होंने बिटकॉइन का ATM, या जिसे हम कहते हैं कि चलो बिटकॉइन का ये मशीन लगाई थी जिसके थ्रू आप उनका कैश ले पाते, एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की थी, और काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और फाइनली जाके उनको वो चीज़ बंद करनी पड़ी। आपको यूनो क्वाइन के बारे में बता दूँ, सबसे पुराने एक्सचेंजेस में से एक है, 2013 से ये एक्सचेंज जो है चल रहा था। और सात्विक जी जो है बहुत इनोवेटिव इंसान है, लेकिन बड़ा दुख हुआ। और शायद ये मेरा शेर आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगा कि मेरी इस टाइम पे फीलिंग क्या है और मैं क्या फील कर रहा हूँ। तेरे दुख में शामिल हूँ या तुझे अपना दुख बताऊँ, तेरे दुख में शामिल हूँ या तुझे अपना दुख बताऊँ, जो तेरे हालात हैं वो ही भाई साहब सिचुएशन मेरे साथ है। तो यही हो रहा है जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, और कहीं ना कहीं बहुत दुख हो रहा है कि उन्होंने जो है कोशिश कर रहे हैं सरवाइव करने की, यूनोकॉइन जैसा बड़ा एक्सचेंज के साथ में ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। जेप्पे सितंबर में बंद कर चुका है, क्वाइन डेल्टा जो कि 1-1.5 साल पहले खुला था वो भी जो है अपने ऑपरेशन यहाँ पे वाइंड अप कर चुका है। मार्च एंड में उन्होंने दे दिया था कि हम जो है लास्ट डेट दे रहे हैं। अब यूनो क्वाइन ने जो ऐसी न्यूज़ आ रही है इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से, और वही हमने भी कवर किया है BI24.com हमारी वेबसाइट के ऊपर, कि वो जो है अपने एम्प्लॉयज़ उन्होंने जो है मजबूरी में निकाले हैं या डिसमिस किए हैं या ले ऑफ किए हैं, जो आप कहना चाहें, जो टर्म आप समझाना पाएं। क्योंकि आप अल्टीमेटली समझ सकते हो कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ती है, पैसा खर्च होता है, और सिचुएशन क्या है, जैसा सात्विक विश्वनाथ जी का कहना है कि हमें पैसा जो है प्रिजर्व करना है ताकि जब तक जो रेगुलेशंस ना आए या सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई संज्ञान ना ले, तो कम से कम हमारे पास सर्वाइवल के लिए होना चाहिए। फरवरी 2018 में ऑलमोस्ट इनके पास में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय थे, और आज जो है मात्र सिर्फ सिमट के 14 रह गए हैं। और उनका ये कहना है कि हमारे पास जो फंड है कुछ महीने और चल सकता है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जल्दी से संज्ञान लेगा और कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं पीड़ा हम भी समझते हैं और हर कोई जो है समझता है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी है, और हम सब इन एक्सचेंजेस के साथ में हमें होना चाहिए, हमें जो है खुश नहीं होना चाहिए या हमें उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो जो सिचुएशन उनके साथ है वही हमारे साथ में है, क्योंकि अगर एक्सचेंजेस नहीं होंगे तो हमारी एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगी। जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कहाँ करोगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कितना कर लोगे भाइयों। तो ये आपको समझना है कि कहीं ना कहीं हमें जो है उनके साथ में खड़े रहना चाहिए। फाइनेंशियली नहीं खड़े हो सकते, कम से कम इमोशनली मॉरली हमें उनका साथ देना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हैं इन एक्सचेंजेस का या जो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोशिश कर रहा है कुछ करने की, उनका साथ दोगे और उनके साथ में खड़े रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार पैसा वो काम नहीं करता, अगर हौसला जो है आपका साथ दे दे तो वही बहुत बड़ा काम कर देता है। तो हम उम्मीद करते हैं जितने भी क्रिप्टो लवर्स हैं वो इन एक्सचेंजेस का साथ देंगे या जो भी कोशिश कर रहे हैं उनका साथ देंगे। अब सिचुएशन आती है कि एक्सचेंजेस बंद हो रहे हैं, उसका क्या कारण है। उसका कारण यही है कि अगर एक्सचेंजेस के ऊपर रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू जनरेट कर कैसे होगा जब क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होगी उन पे, और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कौन करेगा, इंडियंस हम लोग ही करेंगे अगर इंडिया का एक्सचेंज है। और यहाँ पे हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है INR में लेना देना नहीं हो पाएगा, और अगर हमने USDT या US डॉलर के अंदर करना है तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का मुंह देखते हैं। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रही है इंडियन एक्सचेंज के साथ में, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आई एंड ऑल द बेस्ट, कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि यूनोकॉइन जैसा कोई एक्सचेंज बंद हो या वो उस कगार पे आ जाए कि उनको सारे ऑपरेशंस बंद करने पड़े। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी सरकार है वो भी ये सब चीज़ों को देख रही होगी, और उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी माननीय न्यायालय है, क्योंकि 23 जुलाई को जो नेक्स्ट डेट है, शायद ये सब चीज़ें संज्ञान में ले और कुछ ना कुछ हो। आपको इनडायरेक्टली ये देखना पड़ेगा और हम सबको भी ये समझना पड़ेगा कि अगर ये भी एक रोजगार का जरिया है, इससे भी लोग पैसा कमा रहे हैं, एक्सचेंजेस बंद हो रहे हैं यानी कि एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। यही नहीं होता कि हर कोई फ्रॉड नहीं कर रहा होता, कई लोग ईमानदारी से उसके अंदर काम करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, और हमें बड़ा दुख है, और हम साथ हैं यूनोकॉइन के और जितने भी एक्सचेंजेस हैं जो भी लोग काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है साथ होंगे। अगर अपनी सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा उनके लिए, और उनको शायद ये कमेंट्स को देख के मोटिवेशन मिले और शायद वो और कोशिश करें और मेहनत करने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा रेड बटन को दबा के। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।